खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर यातायात नियमों के पालन हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर यातायात प्रभारी मोहम्मद शमीम व यातायात टीम के द्वारा सड़क सुरक्षा को सुधारने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाते हुए पुलिस व अन्य सरकारी कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। इस अभियान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रिजर्व पुलिस लाइन भिनगा, जिलाधिकारी कार्यालय श्रावस्ती व अन्य सरकारी कार्यालयों पर सघन चेकिंग की गई। यातायात नियमों का पालन न करने और हेलमेट न पहनने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध विविध कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को शत प्रतिशत यातायात नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि सड़क पर निकलने से पहले सभी को हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना होगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भविष्य में सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसको लेकर यातायात विभाग की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए अधिकारी व कर्मचारी तथा पुलिसकर्मियों के पर भी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के साथ साथ उन पर कार्रवाई की गई। यातायात नियमों को मानने से सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों तथा सुरक्षा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए यातायात विभाग के कर्मियों ने पंपलेट का भी वितरण किया। श्रावस्ती जनपद में अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, इन्हें रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा यातायात विभाग को निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में यह अभियान चलाया गया। एक तरफ जहां लोगों को जागरूक किया गया, यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों पर कार्रवाई भी की गई। इस बड़ी कार्रवाई से अधिकारियों कर्मचारियों में भी हड़कंप का माहौल दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का यह मामला। अब ये इसमें अब कोई जो है लापरवाही नहीं करिएगा, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बुजुर्ग माँ बाप सबके लिए हम जो है हमेशा ये धारण करें और परिवार के लोगों को बताइए हेलमेट लगाए। फिर पुलिस वाले हैं तो अपने सबसे रोक लीजिए, हो गया ना। अब ये इसमें अब कोई जो है लापरवाही नहीं करिएगा, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बुजुर्ग माँ बाप सबके लिए हम जो है हमेशा ये धारण करें और परिवार के लोगों को बताइए हेलमेट लगाए। फिर पुलिस वाले हैं तो अपने सबसे रोक लीजिए, रोक लीजिए भाई। या तो गेट से बगैर हेलमेट जाएगा तो गेट से बगैर यातायात करने जा रहे हैं, हाँ, तो यातायात वाले तो मिल गए जो है, क्योंकि भाई आर्डर कमांडर का है और कल भी